Next one, about IO operations in C language. IO operations, or simply we can say read write operations in C language. Most interesting operations provided by C for you called as IO operations in that one. IO operations के applications क्या रहेंगे? Generally आप किसी भी technology की बात करो, या तो C, C++, Java, .NET, anything. अगर किसी वेबसाइट के रिस्पेक्ट में बात करें तो जनरली आप यूज क्या करते हो, अपलोडिंग सम फाइल और डिप्लॉइंग सम फाइल्स. जब यह फाइल अपलोड करते हो, फाइल डिप्लॉय करते हो, इस केस में परफॉर्म करते हो, डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेंड होता है. सेम एज इन केस ऑफ कॉपिंग कंटेंट्स बाय यूजिंग सम पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क और सम अदर थिंग्स, अदर मीडिया. जब भी पेन ड्राइव में डेटा आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कॉपी पेस्ट कर, इस केस में परफॉर्म क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आईओ ऑपरेशंस, इनपुट ऑपरेशंस और आउटपुट ऑपरेशंस. सिंपली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर विद इन हार्ड डिस्क या डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कॉपी पेस्ट कर, इस केस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली परफॉर्म क्या होते हैं, ऑल्सो आईओ ऑपरेशंस. आईओ ऑपरेशंस वाइडली यूज करोगे सी के केस में. से इसके बेसिक्स की बात करें, सी ने क्या प्रोवाइड किया आईओ ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, सम बेसिक्स रिगार्डिंग दिस ऑपरेशंस. अगर आपको आईओ ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म करना आता, देन आपके फाइल अपलोडिंग फाइल डाउनलोडिंग टाइप के कॉन्सेप्ट वेबसाइट के केस में इजीली परफॉर्म करना पॉसिबल है. क्लियर. फर्स्ट वन आईओ ऑपरेशन की बात करें, व्हाट डू मीन बाय आईओ. आईओ स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, यानी टू टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, इनपुट ऑपरेशंस एंड आउटपुट ऑपरेशंस. इनपुट ऑपरेशन सिंपली कॉल्ड एज रीड ऑपरेशंस. इनपुट ऑपरेशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीडिंग डेटा फ्रॉम समवेयर. सेम एज व्हाट इज मीन बाय आउटपुट ऑपरेशंस. आउटपुट ऑपरेशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेटा from some devices, or sorry, inside some devices. Read input operation means read operations, output operations means write operations. For examples, we are having some C program, some program like that. Next one, some console devices. Console devices may be keyboard and maybe monitor. Here keyboard and monitor is considered as, both are considered as console device. Console device means, console device is a combination of keyboard and monitor, where keyboard is a console input device and monitor is a console output device. Why is keyboard is considered as console input device and why monitor is considered as console output device? We are discussing same things in net letters. Keyboards, then other things files. One more things file. File की किस बात का, file just a part of hard disk memory, because files are considered as permanent storage devices, because file के किस में data permanently manage करेंगे. File के किस बात करें, file से data read करना भी possible होता, file में data write करना भी possible होता, इसको इसलिए file को consider किया जाएगा input device as well as output device. One side fix a program, other side may be console input device keyboard, may be console output device monitor, may be file input output devices like that. So, program के respect में जनरली operations क्या होंगे, या तो आप program से data send करेंगे या फिर program के लिए data provide करोगे. जब program से data console device के लिए send करेंगे, sorry, कीबोर्ड के रिस्पेक्ट में बात करें, कीबोर्ड का टाइप क्या है, इनपुट डिवाइस, इसलिए कीबोर्ड से डेटा ओनली रीड करना पॉसिबल है. मींस इस केस में परफॉर्म क्या हो रहा है, रिसीव ऑपरेशन. अगर किसी ऑपरेशंस के थ्रू डेटा प्रोग्राम के लिए प्रोवाइड होता है, रिसीव होता है, देन इस ऑपरेशन को नेम देंगे एज अ इनपुट ऑपरेशंस. लेकिन ये डेटा रीड किससे हो रहा है या प्रोवाइड कौन कर रहा है, कीबोर्ड. कीबोर्ड मींस कंसोल डिवाइस, इसलिए इस ऑपरेशन का टाइप क्या हो, कंसोल इनपुट ऑपरेशंस. सिमिलरली जब प्रोग्राम से डेटा सेंड कर दिया, कोई मैसेज डिस्प्ले करा दे ऑन द मॉनिटर, तो इसका मतलब क्या है, मॉनिटर मैसेज किसके पास है, प्रोग्राम के पास है. सेंड किसके लिए हो रहा है, मॉनिटर के लिए. जब भी प्रोग्राम से डेटा मॉनिटर के लिए सेंड करेंगे, इस केस में ऑपरेशन का टाइप क्या है, सेंड ऑपरेशन और रिसीव ऑपरेशन. सेंड ऑपरेशन और वी कैन से राइट ऑपरेशन मीन्स प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में प्रोग्राम डेटा राइट कहां कर रहा है ऑन द मॉनिटर. प्रीवियस केस में ऑपरेशन का टाइप क्या था, ऑल्सो रीड ऑपरेशन, बिकॉज प्रीवियस केस में डेटा कीबोर्ड से रीड हो रहा था, इस केस में मॉनिटर के लिए डेटा राइट हो रहा है. प्लस मॉनिटर का टाइप क्या, कंसोल डिवाइस. राइट ऑपरेशन मींस आउटपुट ऑपरेशन, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज कंसोल आउटपुट ऑपरेशन.
जब आप मॉनिटरिंग के लिए कोई डेटा सेंड करते हैं, सो ऑपरेशन के टाइप क्या, कंसोल आउटपुट ऑपरेशन। सिमिलरली फाइल, फाइल का टाइप क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइस। फाइल के रिस्पेक्ट में डेटा रीड करना भी पॉसिबल है। जब फाइल से डेटा रीड करें तो सो ऑपरेशन का टाइप क्या हुआ, फाइल इनपुट ऑपरेशंस, फाइल इनपुट ऑपरेशंस। सिमिलरली फाइल के लिए डेटा सेंड करना भी पॉसिबल है। जब फाइल के लिए डेटा या कंटेंट सेंड करेंगे और राइट करेंगे, देन इस ऑपरेशन का टाइप क्या हुआ, फाइल आउटपुट ऑपरेशंस, फाइल आउटपुट ऑपरेशन। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट वन, कंसोल ऑपरेशन की बात करें, फाइनली टू टाइप्स के ऑपरेशन थे, इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन। व्हाट इज मीन बाय इनपुट ऑपरेशंस, इनपुट ऑपरेशन विल प्रोवाइड डेटा टू द प्रोग्राम, इनपुट ऑपरेशन विल प्रोवाइड डेटा टू द प्रोग्राम। दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड एज रीड ऑपरेशन। जब प्रोग्राम के लिए डेटा प्रोवाइड करेंगे, प्रोग्राम डेटा किसी भी अदर डिवाइस से रीड करता है, यानी इस ऑपरेशन का अदर नेम क्या हुआ, ऑल्सो नोन एज रीड ऑपरेशन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाय आउटपुट ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। जब प्रोग्राम डेटा किसी भी अदर डिवाइस के लिए सेंड करता है या प्रोग्राम के थ्रू डेटा किसी भी अदर डिवाइस में राइट होता है, देन इस प्रोसेस को नेम देंगे एज आउटपुट ऑपरेशंस। जिस डिवाइस के साथ इनपुट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उस डिवाइस को नेम दिया जाएगा एज इनपुट डिवाइस। सिमिलरली जिस डिवाइस के लिए डेटा सेंड होता है, जिस डिवाइस में डेटा राइट होता है, उस डिवाइस को नेम देंगे एज आउटपुट डिवाइस। लेट सी हियर, कीबोर्ड के रिस्पेक्ट में डेटा रीड हो रहा है, सिर्फ रिसीव हो रहा है, देन इस डिवाइस का टाइप क्या हुआ, इस ऑपरेशन का टाइप क्या था, इनपुट ऑपरेशन, इसलिए इस डिवाइस का टाइप क्या, कंसोल इनपुट डिवाइस। सेम एज मॉनिटर के रिस्पेक्ट में डेटा सेंड हो रहा है, इसलिए इसका टाइप क्या है, कंसोल आउटपुट डिवाइस। सेंड मीन्स राइट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन, प्लस ये ऑपरेशन मॉनिटर या कंसोल डिवाइस के साथ परफॉर्म, इसलिए इसका टाइप क्या है, कंसोल आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट वन, फाइल, फाइल के केस में डेटा रीड करना पॉसिबल और डेटा राइट करना पॉसिबल है। फाइल के केस में दोनों ही ऑपरेशन पॉसिबल, डेटा रीड भी करना पॉसिबल और राइट करना भी पॉसिबल है, इसलिए फाइल का टाइप क्या हुआ, फाइल इज ऑल्सो कंसिडर एज इनपुट डिवाइस एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। हियर वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, नॉट अ फाइल ऑपरेशन। फाइल ऑपरेशन वी आर डिस्कसिंग एट द एंड सेशन ऑफ द सी लैंग्वेज, क्लियर। टिल नाउ वी आर वेटिंग फॉर फाइल ऑपरेशंस, वी आर डिस्कसिंग जस्ट ओनली ओनली अबाउट कंसोल ऑपरेशंस। लेट्स सी, आईओ ऑपरेशंस जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, मींस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस टू टाइप से परफॉर्म करोगे, या तो आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फाइल के साथ परफॉर्म करेंगे या फिर कंसोल डिवाइस के साथ। वन साइड फिक्स ऑलवेज, वन साइड ऑलवेज सी प्रोग्राम, अदर साइड मे बी कंसोल डिवाइस और मे बी सम फाइल्स। How many types of IO operation? There are two types of IO operations, input of console input output operations and file input output operations. Again, file input operation or file output operation. File operation कितनी category में डिवाइड होंगे, input output। जब file से data read करेंगे और file से data program के लिए send होता है, then इस operation का name क्या हुआ, then this operation is known as file input operation। same as जब program से data file के लिए send होता है, जिसका मतलब file में data receive हो रहा है, send हो रहा है, file के लिए data receive होगा, program से send हो रहा है, लेकिन ये receive और send operation किसके respect में check करेंगे, respect to प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम को डेटा रिसीव हो रहा है देन रीड ऑपरेशन और इनपुट ऑपरेशंस, अगर प्रोग्राम से डेटा सेंड हो रहा है देन राइट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशंस। तो फाइल के केस में अगर डेटा फाइल से रीड हो रहा है, मीन्स प्रोग्राम को डेटा रिसीव हो रहा है देन रीड ऑपरेशन, अगर फाइल से डेटा प्रोग्राम के लिए सेंड हो रहा है देन आउटपुट ऑपरेशंस। सेम एज कंसोल, सेम ऑपरेशन, प्रोग्राम से डेटा कंसोल डिवाइस के लिए रीड कर, सॉरी प्रोग्राम के लिए डेटा कंसोल डिवाइस से प्रोवाइड करते हैं, जब प्रोग्राम कंसोल डिवाइस से डेटा रीड करेगा देन इस ऑपरेशन का नेम क्या होगा, कंसोल इनपुट ऑपरेशंस। दिस ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड बिटवीन प्रोग्राम एंड कीबोर्ड, इस कीबोर्ड प्रोग्राम के लिए डेटा ऑलवेज प्रोवाइड करेगा, इसलिए ऑपरेशन का टाइप क्या है, इनपुट ऑपरेशन। नेक्स्ट वन, कंसोल आउटपुट ऑपरेशन, इन दैट केस दीज ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड बिटवीन प्रोग्राम एंड मॉनिटर। जब प्रोग्राम से डेटा मॉनिटर के लिए सेंड करें दैन इस ऑपरेशन का टाइप क्या होगा, सिंपली कंसोल आउटपुट ऑपरेशंस। जनरली इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए सीनेट
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रीडिफाइंड लॉजिकल फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं। फंक्शन जनरली ये ऑपरेशन कितने टाइप्स के हैं, देर आर फोर टाइप्स ऑफ आईओ ऑपरेशंस, फाइल इनपुट ऑपरेशंस, फाइल आउटपुट ऑपरेशंस, कंसोल इनपुट ऑपरेशंस, कंसोल आउटपुट ऑपरेशन। फोर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए सी ने प्रीडिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं कैटेगरी वाइज। बाय यूजिंग दिस फंक्शंस वी कैन परफॉर्म ओनली और वी कैन रीड कंटेंट्स फ्रॉम अ फाइल। अगर आपको फाइल से कंटेंट्स रीड करना था, यूज क्या करोगे, गेट सी एफ, गेट सी एफ, गेट एस एफ, स्कैन एफ, एफ रीड। सिमिलरली जब फाइल के लिए डेटा सेंड होता है फ्रॉम अ प्रोग्राम, डेटा सेंड करने के रिस्पेक्ट में यूज क्या करेंगे, दैट फंक्शंस एफ पुट सी, पुट सी एफ, पुट एस एफ, प्रिंट एफ और एफ राइट फंक्शन। वी आर डिस्कसिंग लेटर रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, जस्ट दैट वन। In that classes we are discussing only about console IO operation. Console input operation is console से data read करना या keyboard से data read करना, use क्या करोगे, that functions get c, get care, get ch, get che. In four functions के through only at a time single character read करना possible, only one character. अगर आपको group of characters read करना या strings, then use क्या करेंगे, get s, means reading strings. scanf, scanf के थ्रू किसी भी टाइप का डेटा रीड करना पॉसिबल, एनी टाइप और एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। सेम एज अगर कंसोल डिवाइस के लिए डेटा सेंड करना, देन फंक्शंस क्या यूज करेंगे, पुट सी, पुट केयर, पुट एस और एफ और एंड प्रिंट एफ फंक्शंस। बाय यूजिंग दिस फंक्शंस वी कैन परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस इन सी। अगेन वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल्स अबाउट कंसोल आईओ।